राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए सेकंड ईयर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपकी का जो पाठ्यक्रम है सेकंड ईयर का, उसका जो दूसरा पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसकी जो प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत हम अब तक जो चर्चा कर रहे थे वो थे पत्रकारिता के रूप और प्रकार। इनमें से हमने आपको सबसे पहले बताया पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं, खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं, बाल पत्रकारिता किसे कहते हैं और महिला पत्रकारिता किसे कहते हैं। इन सब जो पत्रकारिता के जो ये रूप और प्रकार हैं इन पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रूप और प्रकार थे ये दरअसल प्रिंट मीडिया से संबंधित थे। मीडिया के जो जो दो प्रकार का मीडिया आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक जो प्रिंट मीडिया है, तो ये प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता के रूप और प्रकार मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित जो पत्रकारिता के जो रूप और प्रकार है उन पर, और उनमें भी विशेष रूप से जो पत्रकारिता के जो टेली पत्रकारिता पर हम बातचीत करना चाहते हैं, टेलीविजन की पत्रकारिता पर हम बातचीत करना चाहते हैं कि ये जो पत्रकारिता है ये बहुत व्यापक स्वरूप लिए, ये बहुत शक्तिशाली माध्यम है टेलीविजन। और हम आपको यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है और टेलीविजन दृश्य और श्रव्य दोनों तरह का माध्यम है। रेडियो पर आप सुन ही सकते हैं, टेलीविजन पर आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। और इसीलिए जिस चीज को सुना उसका जितना प्रभाव पड़ेगा उससे ज्यादा उसको देखने पर और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए टेली पत्रकारिता का टेलीविजन की पत्रकारिता इसका ज्यादा प्रभाव है, इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है और इस ये जो पत्रकारिता है ये बहुत मायने रखती है। इसका जो पत्रकार है उसमें कुछ गुणों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे टेली पत्रकार है या टेलीविजन का जो पत्रकार है, सबसे पहली बात आती है कि उसे भाषा में पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं एक अंतर, छोटा सा अंतर आप देखें कि जो प्रिंट मीडिया का जो पत्रकार है वो तो वहां से रिपोर्ट तैयार करके अपने ऑफिस में आएगा और अपने जो संपादक महोदय उनके सामने बैठ करके उसको उस सारी रिपोर्ट को तैयार कर लेगा, उनके पास तो समय है। लेकिन ये जो टेली पत्रकारिता है इसमें क्या होता है, ज्यादातर आजकल के समय में ज्यादातर आप देखते हैं सजीव प्रसारण होता है और इसका जो संवाददाता है वो जो पत्रकार है उसे वहां पर सजीव प्रसारण करना होता है, यानी कि तुरंत प्रभाव से आपके पास रिपोर्ट पहुंचानी होती है और उसका आप लाइव भी देख रहे हैं। तो जैसे ही आप लाइव देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार भाषा होनी चाहिए और ये काम वही कर सकता है जो पत्रकार या जो संवाददाता भाषा में दक्षता है। और यहां पर ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस परिवेश की घटना है, उस परिवेश से संबंधित भाषा का प्रयोग भी होना आवश्यक है, तभी जाके उसके साथ जाता है। तो कहने का मतलब एक टेली पत्रकार, एक टेली संवाददाता, एक टेली पत्रकारिता में भाषा का पूरा पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी चीज, ये जो टेली पत्रकारिता है और इसका जो पत्रकार है या संवाददाता है पूरी तरह से संवेदनशील होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो चीज मैं बोल रहा हूं या मेरे जरिए जा रही है उसका समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है। आज आप देखते हैं इस माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे संसार को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया। आज आपके पड़ोस में क्या हो रहा है वो भले ही आपको पता ना हो, लेकिन अमेरिका में क्या चल रहा है, चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान की क्या क्या कूटनीतियां चल रही है, इसके बारे में तुरंत प्रभाव से सूचनाएं आप तक पहुंचाती है। तो ये बहुत प्रभावशाली माध्यम है, इसलिए ये बहुत संवेदनशील माध्यम है। इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक
सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। जबकि आजकल क्या हो रहा है, अगर हम निष्पक्ष रूप से कहें तो जो ये मीडिया है ना, ये प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है, इनमें होड़ मची हुई है कि सबसे पहले सजीव प्रसारण किसके द्वारा किया जाए, सबसे पहले खबर किसके माध्यम से पहुंच रही है। ये जो होड़ है ये कहीं ना कहीं इसकी छवि को प्रभावित कर रही है। खैर, ये एक अलग विषय है, किसी दिन हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे डेली पत्रकारिता की, और इस पर इसमें जो मैंने बताया कि इसके पत्रकार को, इसके संवाददाता को संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज, इसके संवाददाता को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो वो सही मायने में पत्रकारिता नहीं कर रहा है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो संवाददाता बोल रहा है उसका प्रमाण सचित्र आपके सामने है, इसलिए वो निष्पक्ष होना चाहिए और उसकी निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिए। कई बार पार्टी पॉलिटिक्स के मुद्दों पर जब बातचीत करते हैं वहां पर भी भले ही उसकी विचारधारा के इधर की भी हो, लेकिन निष्पक्ष रूप से उसको दिखना भी चाहिए। ये टेली पत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है, टेली पत्रकारिता में इस चीज का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो कहने का मतलब, टेली पत्रकारिता में बहुत सारी चीजें देखने लायक। एक और चीज है, वो है टेली पत्रकार को या टेली पत्रकारिता में जो संवाददाता होता है उसको तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान होगा तो वो सफल पत्रकार कहलाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें जो कई सारी तकनीकें होते हैं, कितनी दूर माइक रखना है, कैमरा कितनी दूर रखना है, कहां पर किस चीज को दिखाना है, ये बहुत कुछ, हालांकि साथ में टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, लेकिन उस पत्रकार को, संवाददाता को भी इस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है। तकनीकी जानकारी भी उसको होनी चाहिए। और एक और जो लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ टेली पत्रकारिता में, वो है टेली पत्रकार को मिलनसार होना आवश्यक, व्यावहारिक होना आवश्यक, और उसे समाज सामाजिक दायित्वों का भी ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, पूरे परिवेश से परिचित भी होना चाहिए, लेकिन मिलनसार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वो मिलनसार होगा तभी वो अपनी टीम को साथ में लेकर के चलेगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, टेली पत्रकारिता में सिर्फ पत्रकार अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क होता है, टीम वर्क प्रोग्राम होता है। इसमें आपके टेक्नीशियन भी लगता है, इसमें आपके जो कैमरामैन है वो भी आपके साथ में रहता है, इसमें आप खुद भी साथ में रहते हो, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है, तब जाकर के वो पत्रकारिता सामने आती है। तो यहां पर संवाददाता को अपने पूरे स्टाफ को साथ में लेकर के मिलनसारिता के स्वभाव से आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के सही रिपोर्ट सामने आती है। तो टेली पत्रकारिता का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है, और टेली पत्रकारिता एक व्यापक माध्यम है और जन जन तक इसकी पहुंच है। गांव के अपढ़ आदमी से लेकर के अनपढ़ आदमी से लेकर के महानगर का बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग तक इससे जुड़ा हुआ है। और ये आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि आज हमारा जो मॉडल, हमारा जो आदर्श जो बना हुआ है वो क्या है, सिर्फ टेलीविजन। हम सुबह से शाम तक वही काम करते हैं जो टेलीविजन हमसे कहता है। आप देखिए, सुबह उठते ही हम कौन सा पेस्ट काम में लेते हैं, जो टेलीविजन पर दिखाया जाता है, कौन सी साबुन काम में ले रहे हैं, जो टेलीविजन पर दिखाई जाती है, कौन से कपड़े पहनते हैं, जो टेलीविजन पर दिखाया जाता है, यहां तक कि रात को सोते वक्त जब हम मच्छर भगाने की जो उसको काम में लेते हैं वो भी कौन से काम में लेते हैं, जो टेलीविजन पर दिखाया जाता है। यानी कि हमारे जीवन पर इस माध्यम का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि ये जो कुछ कह देता है वही हम करते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी टेली पत्रकारिता का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। चलो, आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में है हम अगली पत्रकारिता पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।